नमस्कार, आपके अपने चैनल वी नोलॉजी में आपका स्वागत है। भारत समेत पूरा विश्व कोविड 19 जैसी महामारी से जूझ रहा है और इस बीच कुछ गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं। एक मैसेज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया गया है, काफ़ी किताबों को ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से कोरोना वायरस की दवा मिली है। हम लोग कोरोना वायरस की दवा न जाने कहां कहां ढूंढते रहे, लेकिन कोरोना वायरस की दवा इंटरमीडिएट की जंतु विज्ञान की किताब में दी गई है। जिस वैज्ञानिक ने इस बीमारी के बारे में लिखा है उसने ही इसके इलाज के बारे में भी लिखा है, और यह कोई नई बीमारी नहीं है। इसके बारे में तो पहले से ही इंटरमीडिएट की किताब में बताया गया है और साथ में इलाज भी। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर और वैज्ञानिक बड़ी बड़ी किताबों के चक्कर में छोटे लेवल की किताबों पर ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। इस मूर्खतापूर्ण मैसेज के साथ में जिस किताब का सहारा लिया गया है उस किताब का शीर्षक है जंतु विज्ञान, और लेखक है इसके डॉक्टर रमेश गुप्ता। पेज नंबर 1072 पर यह जानकारी होने का दावा किया गया है, और साथ ही यह गुजारिश की गई है, भाइयों यह कोई फेक न्यूज़ नहीं है, इसलिए मेरी आपसे यह विनती है कि इस दवा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज का इलाज हो सके। ऐसी अफवाहों से बचे रहिए। यदि आपको इस तरह के कोई संदेश भेज रहे हैं तो उन्हें जागरूक करें और बताएं कि वैज्ञानिक हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। तो आइए पता करते हैं आखिर इस संदेश की हकीकत क्या है। सर्वप्रथम हम यह समझते हैं कि वायरस आखिर चीज़ क्या है। वायरस या विषाणु बहुत ही ज़्यादा छोटे जीव हैं जिनमें कोशिका नहीं होती। ये केवल जीवित कोशिका में ही अपनी वंश वृद्धि कर सकते हैं, अपने वंश को बढ़ा सकते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं, लेकिन जैसे ही इन्हें शरीर मिलता है शरीर के अंदर जाते ही ये मानो जीवित हो जाते हैं। अतः इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अर्थात जब ये शरीर के बाहर होते हैं तब तो ये मृत अवस्था में होते हैं, लेकिन जब ये शरीर के अंदर जाते हैं तो ये कोशिकाओं के सहारे दूसरी कोशिकाओं के सहारे, अर्थात जैसे अगर मेरे शरीर में है तो मेरी कोशिकाओं के सहारे ये अपने वंश को आगे से आगे बढ़ाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्तमान में फैल रहे इस कोविड 19 रोग की। यह बीमारी नोवेल कोरोना वायरस की वजह से फैल रही है। हकीकत में कोरोना वायरस किसी एक वायरस का नाम नहीं है, बल्कि यह वायरस की एक फैमिली का नाम है जिसमें 6 तरह के वायरस पहले ही मिल चुके थे। यह 7वें प्रकार का वायरस है। जो 6 तरह के वायरस पहले मिल चुके थे उनके नाम है HCoV अर्थात ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, HCoV NL63, HCoV OC43, HCoV HKU1 एंड SARS और MERS, और इसी परिवार का यह 7वां सदस्य है नोबेल कोरोना वायरस। NCoV अर्थात नोबेल कोरोना वायरस और इससे होने वाली यह बीमारी कोविड-19 का पता सबसे पहले चीन के वुहान शहर में 2019 में चला था। इसी कारण इसे कोविड-19 नाम दिया गया, अर्थात कोरोना वायरस डिजीज 2019। और इससे पहले जिस किताब की हमने चर्चा की उस किताब में इससे पहले के जो ये वायरस है उनसे संबंधित जानकारी दी गई है, और जिस दवा की चर्चा यहाँ पर की गई है वो मात्र जुकाम और बुखार की दवा है, जबकि कोविड-19 के लक्षण हैं बुखार, थकान, सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द, खांसी और मांसपेशियों में दर्द। संक्रमण होने पर सबसे पहले बुखार होता है, अर्थात जब भी इससे वायरस से कोरोना वायरस जो ये कोविड-19 का वायरस है नोबेल कोरोना वायरस, इससे जब भी संक्रमण होता है पहले बुखार होता है, उसके बाद में सूखी खांसी होती है, कई मामलों में कफ भी देखा गया है, हफ्ते भर बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है,
पहला हमला गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है, फिर सांस की नली और फेफड़ों की बारी आती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस बीमारी से लड़ने की कोशिश करती है। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, उनकी हालत सुधरने लगती है और व्यक्ति इस बीमारी से उबर सकता है। यदि शरीर इस बीमारी से नहीं लड़ पाता तो फेफड़ों में सूजन आने लगती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। इस स्थिति में मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। बेहद गंभीर स्थिति में फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं। शरीर को यदि आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल सके तो मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। COVID-19 के कारण मौत का जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, लेकिन यह बीमारी खतरनाक इस मायनों में है कि अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया है। और दिखती बात है, जिस बीमारी का इलाज नहीं होगा वह बीमारी खतरनाक ही होगी। काफ़ी लोग COVID-19 के बाद स्वस्थ भी हो रहे हैं। 6% लोग इससे गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और बाकी कई मामलों में बहुत सामान्य से लक्षण दिख रहे हैं और लोग इस बीमारी से ओवरकम भी कर रहे हैं। अतः पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचे रहिए। स्वयं डॉक्टर या विशेषज्ञ बनने की कोशिश न करें। हाथों को साबुन से धोते रहे। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसते या छींकते समय नाक व मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। अपने हाथ से अपना चेहरा टच न करें। जिन व्यक्तियों को कोल्ड या फ्लू हो उनसे दूर रहें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अर्थात दूर रहें। किसी भी व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और किसी तरह के समारोह में सम्मिलित न हो। हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। सरकार के निर्देशों का पूर्णतया पालन करें, घर में ही रहें और स्वयं को तथा अपने परिवार को इसके संक्रमण से बचाएं। उम्मीद है भारत समेत पूरा विश्व इस महामारी पर जल्द ही विजय प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।